अच्छा जी, तो इसी कंपोजिट बीम के डिजाइन के ऊपर हमारी एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। यही एग्जांपल आपके पास लेक्चर में एएसडी के ऊपर भी अगर देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। कहता है कि द लेआउट ऑफ बीम्स एंड गर्डर्स फॉर अ टिपिकल वेयर हाउस फ्लोर इज शोन इन फिगर 550। ठीक है, ये जो आपके पास नीचे फिगर है, कहता है इसमें मैंने आपको लेआउट दिखाया है बीम्स और गर्डर्स का। The live load is 200 psf. The slab thickness is 4 inch. Concrete strength is 3000 psi and steel is A36. Determine the beam required. ठीक है? Assume it to be simply supported. Construction is to be without shores. ठीक है? Unsupported construction है आपके पास. ये आपके पास है, कहते हैं 4 at 7 feet 6 inches. तो यानी कि total आपके पास span कितना है? 7.5 फुट और 7.5 फुट 15 और 15 30 फुट। ठीक है, तो टोटल स्पैन है आपके पास 30 फुट का और हर एक की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है 30 फुट। ठीक है, यानी अच्छा वैसे देखा जाए तो ये साइड भी 30 फुट है, ये साइड भी 30 फुट है, तो आप इस डायरेक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है, एनीवेज ये आपके पास वो है लॉन्ग सेक्शन है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास शियर स्टड्स यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट है और यहाँ पे आपके पास जीरो मूवमेंट है। तो देखो उनके दरमियान मिड वे में आपने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि शियर ज्यादा होती है तो इसके आपने सपोर्ट्स के करीब इसको प्रोवाइड किए हुए। ठीक है, अच्छा ये डिजाइन हम फिर आखिर में देखते हैं, या फिर ये डिजाइन आपको गिवन है, ये डिटेल्स आपको गिवन है कि पहला स्टड जो वो 9 इंच के फासले पर है, यहां से भी 9 इंच के फासले पर है और फिर आपस में ये कितने फासले पर है, 18 इंचेस के फासले पर है। ठीक है, 1.5 फुट के फासले पर है। ये आपके पास सेक्शन की डिटेल्स हैं, ये देखें ए बी और सी। ठीक है, आपके पास जो स्लैब की थिकनेस है वो 4 इंचेस है, बी ई आपको यहाँ पे गिवन है 90 इंचेस, या आपके पास जो टोटल वो है जो डेप्थ ऑफ द सेक्शन है वो 16.01 इंचेस है। अच्छा, ये आपने बीम अभी डिटरमिन करनी है। ठीक है, डिटरमिन द बीम रिक्वायर्ड। चलें आगे चलते हैं और फिर इस चीज को और आके देखते हैं। द मॉड्यूलर रेशियो, याद है हमने मॉड्यूलर रेशियो भी पढ़ी थी, क्योंकि आपने स्टील और कंक्रीट को आपस में वो करना है, इंटरमिंगल करना है। तो इस केस में कहते हैं आपके पास मॉड्यूलर रेशियो है 9, यानी स्टील आपके पास 9 टाइम्स कॉन्क्रीट से ज्यादा स्टिफ है या इलास्टिक है। द डेड लोड एंड लाइव लोड मूवमेंट्स आर, डेड लोड मूवमेंट है आपके पास स्लैब की क्या है 7.5 क्यों है, ये देखें यहां पे ये 7.5। ठीक है, कहता है कि अगर आप ये वाला गर्डर ले रहे हैं या बीम ले रहे हैं तो आधा और या आधे इधर तक, तो ये कितना है 7.5 फुट बनता है, और वही 7.5 फुट जब आप उसको इंचेस में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास 90 इंचेस बनता है। ये देखें, ये जो आपके पास है यानी एक बीम के ऊपर जो स्लैब का पोर्शन आ रहा है वो 90 इंचेस का आ रहा है। सही है, तो 7.5 कहाँ से आए आपको पता चल गया, विड्थ ऑफ द स्लैब ऑन वन बीम, 4 डेप्थ ऑफ द स्लैब है। ठीक है, तो दो डायमेंशन हो गई ना, और आपके पास 150 क्या होता है यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 0.375, ये देखें किप पर फिट। सही है, यूनिट्स ध्यान में रखें, बीम का कहते हैं हम एस्टिमेटेड वेट फिलहाल ले रहे हैं। सही है, कि 0.05 किप पर फिट है, तो दोनों को सम अप करें तो 0.425। 30 आपके पास क्या है, आपको पता है ना मूवमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मूवमेंट का क्या फॉर्मूला है, WUL² / 8। ठीक है, तो बाय द वे इस चीज को आप क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, ये आपके पास 30 जो है तो वो फीट में है, तो आपके पास ये जो मूवमेंट आएगी ये आएगी WUL² / 8, किस चीज में आएगी, फिट किप में आएगी। आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो किस चीज में आ जाएगी, इंच किप में, तो 575 इंच किप है आपके पास। और क्रॉस चेक का ये मतलब है कि आप जब ये प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपने साथ कैलकुलेटर पेन और कागज आपके पास हो और आप इसको साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, लाइव आपके पास क्या है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, आपको मैंने बताया ना क्या है, ये स्लैब की वो जो इफेक्टिव विड्थ है जो कि आपके एक बीम के ऊपर आ रही है। ठीक है, और 200 आपको लाइव लोड गिवन है,
तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ रहा है 1.5। तो ये डब्ल्यू यू है, ये एल स्क्वायर है और ये डिवाइड बाई 8 उसका फॉर्मूला है। 12 क्यों मल्टीप्लाई करें हम फीट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए। सो 2025 आपके पास ये आ गया। तो ये डेड लोड मूवमेंट है, ये लाइव लोड मूवमेंट है, ठीक है। द लेड लोड कैलकुलेट अबव इज बेस्ड ऑन ईच बीम। अच्छा ये देखिए, ये वही सब कुछ आप पढ़ लें जो मैंने अभी आपको एक एक चीज समझाई है। चले मैं आपकी खातिर पढ़ भी लेता हूँ। ईच बीम जो आपकी सपोर्ट कर रही है स्लैब को फ्रॉम सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन ऑफ बीम्स, ठीक है, तो वो 7.5 फुट आ रही है। कॉन्क्रीट का वेट 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट है। वेट ऑफ स्लैब आज आपका आ जाएगा 4/12 × 150, ठीक है। ईच बीम इज अज्यूम टू सपोर्ट लाइव लोड फ्रॉम सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन ऑफ बीम्स, ठीक है। जाहिर बात है एक पूरे स्पैन का जो आपका लाइव लोड है वो एक बीम के ऊपर आ रहा है, दैट्स व्हाई आपने 7.5 फुट लिए। आगे चलते हैं। सो टोटल मूवमेंट आपके पास कितनी आ गई, 1.2 डेड मूवमेंट प्लस 1.6 लाइव मूवमेंट, तो आपके पास 39-30 इंच किप्स आपके पास मूवमेंट आ गई। सिंस फाइव बी इज 0.85, ठीक है, द रिक्वायर्ड अल्टीमेट कैपेसिटी इज, इसको आप फैक्टर पे डिवाइड करें तो आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए आपके सेक्शन की। देन फ्रॉम इक्वेशन जो हमने पीछे पढ़ी है, अज्यूमिंग अ 16 इंच बीम, देखो जो हमने ये बीम देखी है ना, ये हमारी अजम्पशन है, ठीक है। 16.01 इंच देख रहे हैं ना आप ये, तो अगर कहते हैं हम एक 16 इंच ड्रेप की बीम देखें तो हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील है तो वो क्या है, MU डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू क्या चीज सही है D, ठीक है, प्लस 0.8 इंटू T, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ सॉरी FY। तो यहां से जो आपके पास एरिया ऑफ स्टील आ रहा है वो आ रहा है 11.5 स्क्वायर इंचेस। तो अब चूंकि आप डेप्थ ऑलरेडी 16 इंच कर चुके हो तो अब आप W16 में जाएंगे और आपके पास जो सेक्शन करीब तरीन आ रहा है वह है W16/40 और उसका एरिया कितना है 11.8 और आप है 11.5, तो गुड आप करीब भी हैं और आपकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा भी है। अगर कहते हैं अज्यूमिंग 18 इंच बीम, यहाँ पे देखिए हमने 16 इंच की थी, अगर हम 18 इंच करें तो आपके पास देखिए सिर्फ ये एक वैल्यू चेंज होगी, 16 की जगह यहाँ पे 18 आ जाएगा। आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है तो वो है 10.5, ठीक है। और कहते हैं हम W18 में अगर जाएं तो W18/40 गिव्स 11.8 स्क्वायर इंचेस। देखिए 16/40 भी दे रहे हैं और 18/40 भी दे रहे हैं। सो द लाइटेस्ट 21 इंच W वेट्स 44 पाउंड पर फिट, देयरफॉर इधर 18/40 और 16/40 में भी सेटिस्फैक्ट्री। कहते हैं दोनों में से आप जिसको भी लेते हो, 16/40 को लेते हो या 18/40 को लेते हो, दोनों आपके पास क्या है सेटिस्फैक्ट्री है। सो द 16/40 प्रोवाइड्स एडिशनल हेडरूम। कहते हैं कि 16/40 इसलिए प्रेफर करते हैं कि आपको 2 इंच का एक एक्स्ट्रा वो कुशन देता है, ठीक है, कि आपकी बीम 2 इंच ऊपर होगी बनिस्बत 18 वाले के। सो वी विल ट्राई इट एज द फर्स्ट चॉइस। तो कहते हैं हम 16 वाले को पहली चॉइस पे रखते हैं, 18 वाले को हम कहते हैं दूसरी चॉइस पे, अगर 16 पे काम ना बना तो फिर हम 18 पे चले जाएंगे, ठीक हो गया। सो द इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ ऑन ईच साइड ऑफ द स्टील सेक्शन इज द स्मॉलर ऑफ। अब ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे, याद है BE क्या थे, A L/8 इससे आता है 3.75 फीट, B हाफ द स्पेसिंग ऑफ बीम इससे भी आता है 3.75। सो द ट्रांसफॉर्म इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ इज B/N इज इक्वल टू 2 × 3.75, ये देखिए ये जो यहाँ से आपके पास × 12/9, वट इज 12/9। सो देखें 3.75 तो आपको समझ आ गया कि ऑन ईच साइड, ये देखें यहाँ पे क्या कहते हैं ऑन ईच साइड ऑफ स्टील बीम, तो एक साइड पे भी 3.75 और दूसरी साइड पे भी, तो दोनों साइड्स के लिए आपने क्या कर लिया 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास बी आ गया, ऊपर आपको पता चल गया, ठीक है। एन आपने अभी पीछे फाइंड किया है विच इज 9, याद है फार्मूले से, ये देखें ये ऊपर पहली लाइन में देखें आपके पास एन इज 9, ठीक है, और 12 अगेन ये देखें ये आपने फीट में लिया हुआ, ये देखें वैल्यू, और इसको इंच में कन्वर्ट करना है तो आपने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो योर दिस वैल्यू इज 10। सो फ्रॉम फिगर 5 47B जो कि अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी, आपके पास ये देखें ये फार्मूलाज हैं, ठीक है, ये फार्मूलाज याद है आपको। सो T इज इक्वल टू ASFY,
सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, सी इज इक्वल टू 0.85 एफ सी प्राइम ए इंटू बीई। बीई अभी देखिए हमने इधर से फाइंड किया, ये देखिए ये बीई, ए का फार्मूला आपको पता है, ए के फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आ जाएगा और आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास 425 दोनों इक्वल आ रहे हैं। या अच्छा सॉरी, वो इसलिए कह रहे हैं, कहते हैं कि टेंशन शुड बी इक्वल टू कंप्रेशन, तो कहते हैं कि ये सी भी आपके पास 425 के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इधर से कहते हैं आपके पास ए की वैल्यू आ सकती है, 90 भी डिवाइड हो जाएगा 0.85 भी और एफ सी प्राइम भी, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल ए की विद एफ सी प्राइम 3, ए आपके पास कितना आ जाएगा 1.85 इंच। देन विद डी इज इक्वल टू 18.16 इंच, ये आपके पास सिर्फ बीम की डेप्थ नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें अपने। बीम आपने कितनी ली है 16 इंचेस की, इस चीज को आप ध्यान में रखें, ठीक है। फिर आगे मैं आपको इस पे समझाता हूं। अच्छा, E इज इक्वल टू 1/2 इंटू 16.01 प्लस 4 - 1/2 इंटू 1.85 विच इज इक्वल टू 11.08 इंचेस, ठीक है। अब पीछे जाते हैं, पहले वाली फिगर को देखते हैं, ये देखें, ये है आपके पास 16.01, सही है, और ये है आपके पास E, ठीक है। तो कहते हैं कि हमने ये E फाइंड करना है, सही है, और सिक्सटीन पॉइंट जीरो वन का आपने हाफ कर दिया, यानी आप बीम के सेंटर पर आ गए, ठीक है, प्लस 4, और 4 आपके पास क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब है, ठीक है, माइनस जो आपके पास ए है डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये कौन सा फार्मूला है, ये मैं आपको फिर समझा देता हूं, ये जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये देखें, यहां पे जो आपने पढ़ा था एम एन, गौर से देखें, ए एस एफ वाई और मूवमेंट आर्म आपके पास क्या था d बाई टू, डी आपके पास क्या है डेप्थ ऑफ द बीम प्लस टी एस थिकनेस ऑफ स्लैब माइनस, मैंने आपको कहा था यहाँ पे a की बजाय a बाई टू होना चाहिए, तो वो वहां पे, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ द कंप्रेशन ब्लॉक आपके पास होना चाहिए मूवमेंट आर्म, तो a बाई टू, सही है। तो ये देखिए ये फार्मूला हमने वहां पे यूज किया, ये देखें, d बाई टू प्लस टी एस माइनस ए बाई टू, तो आपके पास जो मोमेंट आर्म बन रहा है दैट इज 11.08 इंचेस, ठीक है। ये किस कंडीशन के लिए, ये आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है। सो एम एन इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय ई, तो टी आपके पास है 425 और ई आपके पास है जो आपके पास मोमेंट आर्म है 11.08, तो 4709 इंच किप्स आपके पास कैपेसिटी आ रही है। इसके साथ जब आप फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कैपेसिटी आ रही है 4000 इंच किप्स आ रही है विच इज ग्रेटर देन 3930, तो आप कहते हैं कि ओके हमारा डिजाइन क्या है सेटिस्फाइड सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। अगली रिक्वायरमेंट थी वो कहते हैं डिफ्लेक्शन चेक आपने करना है, याद है उन्होंने लिमिट भी दी थी 1/350 था समथिंग, ठीक है। डिफ्लेक्शन मस्ट बी चेक फॉर द सर्विस लोड्स, और डिफ्लेक्शन आपको पता है कि सर्विस लोड्स भी चेक करते हैं, पीआरसी 1 का ये कॉन्सेप्ट है आपका। The properties of the transformed section, figure 550B. B आपने देखा है ना, मैं आपको चले फिर दोबारा ले जाता हूँ B पे, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ उसकी जो properties हैं। Area आपको पता है, आपने manual से निकाला हुआ LRFD manual से, ठीक है। IX आपको पता है 7.72 square is equal to 703, आप manual से direct ले सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये आपके पास स्लैब है, ठीक है, स्लैब की थिकनेस है 4 और 10 आपके पास क्या है। अच्छा जी, तो चले इस टेबल को डिटेल में समझते हैं, और ये जो हाइलाइटेड सेक्शन है ये कहते हैं कि आपने फिगर 550B को पहले समझें, सही है। तो आइए पहले 550B पे ही चले जाते हैं, ये देखें आपके पास ये जो कॉम्पोजिट सेक्शन है
ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये कॉम्पोजिट सेक्शन दो हिस्सों पे मुश्तमिल, एक है ये ऊपर आपके पास 4 इंच की स्लैब, और एक है ये नीचे आपके पास 16 इंच या 16.01 इंच का ये बीम, सही है। 16 जमा 4 आपके पास ये टोटल डेप्थ कितनी बन रही है, 20 इंचेस की बन रही है, सही हो गई। आपको ये बात समझ आ गई है, तफसील से समझ आ गई है कि ये आपके पास है 20 इंचेस, ठीक है। सारी गेम इस 20 इंचेस की है। अच्छा जी, ये जो आपके पास ये वाली लाइन नजर आ रही है एक्स एक्स, ये आपके पास है न्यूट्रल एक्सिस, या न्यूट्रल एक्सिस तो मैं नहीं कहूंगा इसको, सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ दिस बीम। ये बीम का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वो आपके पास ये है, ठीक है। और सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ दिस कॉम्पोजिट सेक्शन, यानी देखें एक तो ये बीम अकेली है ना, ये बीम का अपना जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो है ये, ठीक है। और एक ये कॉम्पोजिट है पूरे का पूरा, ठीक है। इसका जो आपके पास एक्स एक्सिस में सेंट्रोइडल एक्सिस है वो ये है, ये आपको ये वाली लाइन नजर आ रही है, ठीक है। अब इस सेंट्रोइडल एक्सिस और इस बीम के सेंट्रोइडल एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है ई, और इस सेंट्रोइडल एक्सिस और जो स्लैब का सेंट्रोइड होगा, देखिए स्लैब कितनी है 4 इंच है ना, तो उसका सेंट्रोइड कितना होगा 2 इंच, 2 इंच यहां से यहां तक और प्लस नीचे आप जितना भी आएंगे। फिलहाल देखिए मैं आपको ये वाली रीडिंग्स नहीं बता रहा, ठीक है, ये वाली रीडिंग्स हम बाद में देखेंगे, आप इसकी टेंशन ना लें, फिलहाल जो आपको गिवन है हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आपको समझ आ गया कि 4 इंच की स्लैब है और उसका जाहिर बात है सेंट्रोइड 2 इंच पे होगा, 16.1 इंच की आपके पास बीम है तो जाहिर बात है उसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, 8 इंच पे होगा, ठीक है। अच्छा जी, और आप देख लें कि यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ी थी जब आप इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ फाइंड कर रहे थे, ठीक है, और ये 3.75 जब आपने फिक्स कर ली तो वो कहते हैं द ट्रांसफॉर्म्ड इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, जो कि मैंने b बाई n आपको समझाया था, याद है, कि अगर आप उसको रिप्लेस करें कॉन्क्रीट को स्टील के साथ, ये देखें ये जो आपने यहाँ पे n यूज किया है, कि अगर आपने कॉन्क्रीट को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, स्टील के साथ, मॉड्यूलर रेशियो की बेस पे, देखिए ये 9 जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया है, ये 9 कहाँ से आया है, ये देखिए ये 9 आपके पास आया है ये मॉड्यूलर रेशियो n से, ठीक है। तो b by n आपको कहता ही ये है कि अगर आपके पास कॉन्क्रीट की इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ एक साइड पे 3.75 फुट है तो दो साइड पे कितनी हो जाएगी 7.5 फुट, तो कहते हैं अगर हम इसको रिप्लेस करें स्टील के साथ तो स्टील की कितनी हो जाएगी आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ 10 इंच, ठीक है, एक इस 10 को अपने जहन में रखें, सही हो गए दोनों कॉन्सेप्ट। तो अब आप आगे आए तो देखें, ये है आपके पास हजरात वो सेक्शन W16/40, ठीक है, आप LRFD मैनुअल में आए, ये देखें ये आपको नजर आ रहा है 16, ठीक है, वैसे ये पेज है 39, आप डायरेक्ट PDF में 39 पुट करें तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये जो रेड लाइन लगी हुई है आपके पास वो सेक्शन है, ठीक है, 40, 16/40, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 11.8 स्क्वायर इंचेस, ठीक है। तो आपके पास ये चीज तो आ गई कि आपके पास इसका एरिया कितना है 11.8 स्क्वायर इंचेस, सही है। अच्छा जी, स्लैब आपको पता है कि उसकी थिकनेस कितनी है 4, और अभी आपने ट्रांसफॉर्म्ड, हम देखें अब हम ट्रांसफॉर्म्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंगल मटेरियल की फॉर्म में इसको करना चाहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि सर के सर हम स्टील की फॉर्म में अगर करें, क्योंकि बीम स्टील की है तो इसलिए स्लैब की जो आपकी वो है इफेक्टिव वेट है वो आपने 7.5 फुट की बजाय कितनी ली है 10 इंच ली है, और ये इक्विवेलेंट है स्टील के, ठीक है। तो 10 × 4 = 40, बीम का एरिया आपके पास आ गया 11.8 स्क्वायर इंचेस और स्लैब का एरिया आपके पास आ गया 40 स्क्वायर इंचेस, ठीक हो गया। नाउ अगला स्टेप हमारा है, मैं आपको तरतीब से समझाता हूं, ठीक है। फिलहाल देखें आप इस पॉइंट तक इस 7.72 को छोड़ दें, ठीक है, पहले आप वो देखें जो आपको चीजें गिवन है। तो आप आ जाए मैनुअल में और आप देखें कि ये जो आपके पास 16/40 है, ठीक है, अगले पेज पे आपको इसकी और प्रॉपर्टीज मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो ये देखें ये आपके पास 16/40 है, जब आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं तो आई एक्स एक्स, यानी
बीम के अपने एक्स एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, 518। ये देखें, इधर इसने इसको आई नॉट का नाम दिया हुआ है, आप इसको आई एक्स भी कह सकते हैं या आई एक्स एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, 518, ठीक है। अच्छा जी, मैं पहले आपको इधर एक और चीज समझा दूं। देखें, जब आपने सिंगर की बुक में ये फार्मूला पढ़ा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए BH³/12, ठीक है, दिस इज अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। अगर वो आप किसी और एक्सिस के अबाउट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं अगर इस स्लैब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करता हूँ इसके अबाउट, तो एक तो क्या करूंगा BH³/12, तो वो मुझे इसके न्यूट्रल एक्सिस के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट देगा, ठीक है। फिर मैं जब इसको शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, तो मुझे इसके सेंट्रोइडल एक्सिस और इस एक्सिस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो ठीक है, BH³/12 प्लस दिस एरिया इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर AD², याद है ना आपको ये फॉर्मूला BH³/12 प्लस AD², ये कॉन्सेप्ट आप इधर याद रखें। यहाँ पे देखें, आप दोनों चीजों के लिए ये करेंगे। अब आपके पास एक चीज आ गई है कि इस एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इस बीम का, वो आपको पता है 518, ठीक है। दूसरी चीज, आपने इसको इस कंपोजिट के जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके अबाउट लेके जाना है, तो आपको ये ई पता होना चाहिए प्लस AD² के लिए। एक चीज आ गई है BH³/12, ठीक है, AD² रहता है। अब दूसरी चीज है, आपके पास ये बीम सॉरी स्लैब जो कि 90 इंच थी, लेकिन आपने जब इसको स्टील कंसिडर किया है तो इस 90 को आपने 9 पे डिवाइड किया, तो आपके पास 10 इंच बच गई है, ठीक है। तो चलते हैं वापस यहाँ पे। अच्छा, ये आपके पास आ गया जनाब वो स्लैब का एरिया, ठीक है। अब आपने जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त कि दोनों एक्सिस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, मिसाल के तौर पर ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है इस कॉम्पोजिट सेक्शन का, ये कहां पे वाकई है, ठीक है, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त। तो इसके लिए वो कहता है कि हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये स्टेप्स उठाते हैं कि हम फाइंड करते हैं ये ई। ये देखें, ये उस डायग्राम में ई शो किया गया था ना, ठीक है। तो वो किस तरह है आपके पास कि ये जो आपके पास स्लैब का वो है एरिया है, ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर दिया है 51.8 पे, जो कि आई नॉट है ऑफ व्हाट आपके पास बीम का 518, इसको आपने 10 पे डिवाइड किया हुआ है। 10 पे क्यों डिवाइड किया हुआ है, आपके पास वही जो इफेक्टिव विड्थ थी, ठीक है, 51.8 आपके पास यहां पे आ गया, एरिया डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आपके पास वही 10 यहां पे आके अगेन मल्टीप्लाई हो गया। देखें, एक तो आपने इसको एरिया में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, फिर आपने इसको यहां पे आके अगेन मोमेंट आर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो जब आप इस 40 × 10 = 400 डिवाइडेड बाय, ये 400 नीचे नहीं है, ठीक है, ये है 51.8। तो जब आप करते हैं, ये देखें 400 / 51.8, तो ये आता है 7.72, नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये 7.72 आपके पास वो ई है कि जो सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ बीम और सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ कॉम्पोजिट के दरमियान का डिस्टेंस है, कितना, 7.72। अब आपको पता है कि बीम का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो यहां से बीम के सेंटर पे होता है ना, तो तकरीबन 8 इंच या 8.01 इंच होगा, क्योंकि टोटल बीम की डेप्थ कितनी है, 16.01 है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 16.01/2, तो इसका मतलब 8.005 पे मेरे पास ये एक्स है, ठीक है, और इसमें से अभी मेरे पास ये ई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7.72। तो इसमें से मैं अगर माइनस करूं 7.72, तो मेरे पास 0.285 या 0.29 की वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 के साथ मैंने कितनी 0.29 प्लस करना है, तो देखें मेरे पास 4.29 की ये वैल्यू आ गई, सही है। यानी कि यहां से 4.29 के फासले पर मेरे पास इस कॉम्पोजिट का सेंट्रोइडल एक्सिस वाकई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ये जो स्लैब है इसका वो फाइंड करूंगा, 90 वाले का नहीं 10 वाले का, इसका मैं फाइंड करूंगा BH³/12 और फिर इसके 2 से लेकर और इधर तक उसको AD² से मल्टीप्लाई कर लूंगा। सिमिलरली इस एक्स एक्सिस के अबाउट मुझे इस बीम का पता चल गया ना BH³/12 518, और अब मुझे D भी पता चल गया दोनों के दरमियान, तो इसके एरिया को मैं D से मल्टीप्लाई कर दूंगा D² से। तो देखें अब आगे आ जाएं, जैसे ही आपके पास ये 7.72 आया, आपने इसको यहां पे पुट कर दिया D² A
इंटू डी स्क्वेयर, तो आपके पास 703 आ गया, सही है। ये आपके पास बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 और ये ए डी स्क्वेयर। तो ये तो बात हो गई आपके पास बीम की। अब स्लैब के सेक्शन की बात करते हैं, तो स्लैब का आपके पास एरिया कितना था, पहले चले इसको छोड़े, पहले इसकी बात करते हैं, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12। तो देखिए बी आपने कितने लिया हुआ है, 10, ठीक है, ये देखिए 10, एच आपके पास है 4, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, तो आपके पास एक चीज आ गई और ए डी स्क्वेयर। एरिया आपके पास कितना है, 40, देखिए 10 इंटू 4 40, और डी अभी मैंने आपको बताया है कि टोटल आपके पास कितना है 4.29, और स्लैब के सेंटर कितना होगा, ये देखिए 4 इंच की स्लैब है ना, तो 2 इंच के ऊपर सेंटर होगा, तो 2 इंच प्लस 0.29 इंच, तो 2.29 उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो 2.29 स्क्वायर। तो इससे ए डी स्क्वायर सही आ गया, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 सही आ गया। तो ये चार वैल्यूज आपके पास आ गई, ये दो जो हैं तो ये बीम की हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये दो जो हैं तो ये आपके जो स्लैब का पोर्शन है उसकी है। और स्लैब की वैल्यूज क्यों कम आ रही है, क्योंकि आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया है इफेक्टिव फ्लेंज में, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड आपने इसको कर दिया उसमें स्टील की, उसमें मॉड्यूलर रेशियो पे डिवाइड करके। सो टोटल आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो 1484 आ रहा है, और जो बीम का अकेले का आ रहा है वो 518 आ रहा है। तो जिस तरह हमने पिछली थ्योरी में पढ़ा था कि डेड लोड के लिए आपके पास जो वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिर्फ बीम का यूज होगा, ठीक है। तो देखें 5/48 डब्ल्यू यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये एल स्क्वायर है, हाँ ठीक है ना, आपके पास 30 फीट उसकी लेंथ है, तो आपने उसको 12 इंचेस में कन्वर्ट कर दिया, तो 30 × 12 360, ठीक है, 575 आपके पास डेड लोड है, सही है, और 29,000 आपके पास स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और 518 ये देखें आपके पास उस बीम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इधर जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.517 इंचेस, सही है। लाइव लोड के लिए वो कहता है कि आपके पास कंपोजिट का मोमेंट ऑफ इनर्जी है, तो ये देखिए जो आपने इतनी टेंशन लेके और सारा मोमेंट ऑफ इनर्जी फाइंड किया 1484, ठीक है, तो वही वैल्यूज सिर्फ इधर आपके पास ये चीज आ गई और इधर आपके पास लाइव लोड आ गया, तो 0.635, तो यहाँ पे 517, यहाँ पे 635। सो द रेशियो ऑफ लाइव लोड डिफ्लेक्शन टू स्पैन इज, आपके पास लाइव लोड डिफ्लेक्शन है 0.635 और स्पैन है आपके पास 360, तो ये कहते हैं 1/567 आता है, जबकि आपको रिक्वायरमेंट थी 1/350, ठीक है। कहते दिस देयर इज नो अलाउंस फॉर क्रीप इन दिस कैलकुलेशन। अच्छा, क्रीप आपको कंक्रीट में भी पढ़ाया था कि जब आपके पास काफी लंबे अरसे तक किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड अप्लाई हो, ठीक है, तो उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स पॉइसन रेशियो एंड इट्स अदर प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स इसके जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लोड के जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कहते हैं इस कैलकुलेशन में क्रीप के लिए कोई अलाउंस नहीं, ठीक है। हाउएवर एंड इफ द लाइव लोड इज लाइकली टू बी सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इन अ वेयर हाउस, तो कहते हैं कि आपके पास जैसे कि वेयर हाउस में बहुत लंबे अरसे तक आपके पास वो लाइव लोड होता है, एक बोरी आ गई, एक बोरी नहीं कई बोरी आ गई और वो पड़ी है, और हमारे मुल्क में तो जखीरा अंदोजी भी बहुत होती है, ठीक है। So n is equal to जो हमारे पास original n था 9, उसको 2 times कर दिया into 18 should be used to compute the moment of inertia, ये देखें जरा, यानी कि आपके पास n 9 की जगह क्या use होगी, n 18 use होगी, तो ये देखें यहाँ पे जब आप n 18 use करेंगे तो आपके पास b by n क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जब b by n आपके पास 5 होगा तो फिर आप यहाँ पे उसको 5 use करेंगे, तो आपके पास moment of inertia की ultimate value क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब कम होगी तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये चीज वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सिंस कंस्ट्रक्शन इज टू बी विदाउट शोर्स द डब्ल्यू 16 × 40 मस्ट बी एबल टू सपोर्ट द डेड लोड मोमेंट ऑफ 575 ऑन इट्स लेटरली सपोर्टेड लेंथ ऑफ 30 फीट, ठीक है, ये तो हमें पता है कि चूंकि अनशोर्ड कंस्ट्रक्शन है तो वो लेटरली उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। According to the procedure discussed in Article 5.9 from the LRFD manual's table of uniform load constants, अब LRFD मैनुअल में चले जाएं, आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, और ये तो आपके पास आगे कहते हैं कि मैनुअल की जो टेबल है यूनिफॉर्म लोड कॉन्स्टेंट की, ठीक है, उसमें आपके पास LR कितने आ रहे हैं, 14.7 फीट, देयरफॉर द कैपेसिटी मस्ट बी चेक्ड बाय इक्वेशन 530, ठीक है।
देन फ्रॉम द मैनुअल्स टेबल ऑफ शेप डायमेंशंस जो कि मैंने आपको बताई पेज नंबर 40 पर है, वहां से आपके पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ गई इस सेक्शन के लिए, ठीक है, विद सी बी इज इक्वल टू 1। तो आपने सी बी की वैल्यू 1 ली, तो आपके पास जो एम क्रिटिकल है वो है 1 इंटू ये जो आपने अभी वैल्यूज दी, फॉर एग्जाम्पल एस एक्स है 64.7, ये जो एक्स वन है आपके पास 1890 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 229, ये सारी वैल्यूज आपने ली। आपके पास कैपेसिटी जो आ रही है वो है 963 इंच किप्स, ठीक है। सिंस दिस इज लेस देन सी बी एम विच इज इक्वल टू सी बी इंटू एस एक्स इंटू एफ वाई माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1682 इंच किप्स, द नॉमिनल मोमेंट एम एन इज 0.9 इंटू दिस 963 विच इज 867 इंच किप्स एंड द फैक्टर डेड लोड मूवमेंट इज 690, ठीक है। ये जो 575 आपके पास आई थी उसको आपने 1.2 से मल्टीप्लाई किया, देयर फॉर डब्ल्यू 16/40 इज एडिक्वेट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने चेक किया कि जब उसके ऊपर सारे का सारा डेड लोड आ रहे थे तो वो एडिक्वेट थी कि नहीं, तो वो सेक्शन एडिक्वेट था। और कंस्ट्रक्शन के बाद का तो आपने सारे के सारे चेक अप्लाई कर लिए, ये देखिए ऊपर डिफ्लेक्शन के चेक ओके आ रहे हैं, ये भी आपके डिफ्लेक्शन का चेक डेड लोड के लिए ओके आ रहा था, ये आपके पास जो कंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास 5BMN आ रहा था टोटल डेड प्लस लाइफ के लिए, वो भी ओके आ रहा था, ठीक है। तो ये था आपका डिज़ाइन ऑफ कंपोजिट बीम। मैंने देखें अपनी पूरी कोशिश की है, हालांकि ये 6-7-8 स्लाइड्स थी लेकिन हमें आधे घंटे से ज़्यादा लगा इसको समझने के लिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको मुकम्मल डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊँ, इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप क्वेरी सेक्शन में जाएं और वहाँ पे क्वेश्चंस अपने रखें और इंशाल्लाह मैं उसके कोशिश करूँगा कि सबके आंसर्स दूँ। थैंक यू वेरी मच।